हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज आइटम की एक 360 डिग्री कवरेज लेने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हमारा ये एजेंडा नहीं रहेगा कि हम लोग एक लिस्ट ऑफ न्यूज डिस्कस करें, लेकिन एक ही न्यूज से रिलेटेड जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या आने के चांसेस हैं, वो हम लोग इंश्योर करेंगे कि वो हम लोगों से नहीं छूटे। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक विच इज हांगकांग प्रोटेस्ट। पहले तो ये जान लेते हैं कि ये हमारे सिलेबस के अंदर है या नहीं, क्योंकि हम लोगों का एजेंडा सिर्फ विल बी लिमिटेड टू यूपीएससी एंड टू इंश्योर कि हम लोग उसके सिलेबस के बाहर कहीं नहीं जाएं। तो सिलेबस में देखते हैं ये हमारा कौन सा टॉपिक आता है। ये सिलेबस का जीएस पेपर 2 है, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस में जो भी पॉलिसीज इंटरनेशनली कोई भी डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज लेती हैं, उनसे इंडिया को क्या लेसन्स लेना चाहिए या उनसे इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो सब हम लोगों को कवर करने की जरूरत है अंडर जीएस पेपर 2। सो सिंस चाइना इज वन ऑफ आवर नेबर्स, तो उसके किसी भी पॉलिटिकल डिसीजन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा टू द वर्ल्ड एंड टू इंडिया, वो हम लोगों को जानने की जरूरत है, उससे हम लोगों को अवेयर रहने की जरूरत है। ओके, तो मूविंग ऑन टू द टॉपिक, सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं हांगकांग का। ये है हांगकांग एंड दिस इज साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी एक्चुअली बहुत सारे रिसोर्सेस का हब है, दैट इंक्लूड्स नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल गैस और क्रूड ऑयल से एक्सट्रैक्टेड जितने भी पॉसिबल फ्यूल हैं, उसका एक बहुत बड़ा रिजर्व साउथ चाइना सी है। यहां आप देख सकते हैं दिस इज फिलीपींस, और चाइना हैज टाइम एंड अगेन ट्राइड टू ऑक्यूपाई दिस रीजन। ये पूरे साउथ चाइना सी में चाइना हमेशा अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश करता है, एंड फिलीपींस चाइना को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर के गया था ये बोल करके कि नॉर्मल ट्रेड या नॉर्मल मूवमेंट ऑफ शिप्स भी साउथ चाइना सी से नहीं अलाउ कर रहा है चाइना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी चाइना के अगेंस्ट डिसीजन लिया था, बट चाइना कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजन को फॉलो नहीं कर रहा है अभी भी। ओके, यहाँ दो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं जिनका नाम आपको याद रखने की जरूरत है। वन इज पैरासिल, द अदर वन इज स्प्रैटली आइलैंड्स। ये दोनों आइलैंड्स पे हमेशा चाइना अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता है। उन दोनों जगह पे चाइनीज मिलिट्री बेसिस भी हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, पहले हांगकांग के बारे में जान लेते हैं। हांगकांग को आजादी मिली थी 1997 में। ये पहले एक ब्रिटिश कॉलोनी होता था, और ब्रिटिश कॉलोनी से आजादी के बाद 1997 में हांगकांग और चाइना के बीच में एक पैक्ट हुआ था, जिसके तहत चाइना हांगकांग को एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन इसके नाम से बुलाता है। इस स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन को गवर्न किया जाता है एक बेसिक लॉ से। इस बेसिक लॉ के तहत हांगकांग का अपना जुडिशियरी, अपना एग्जीक्यूटिव एज वेल एज अपना लेजिस्लेचर रहेगा, लेकिन हांगकांग का कोई भी डिफेंस रिलेटेड डिसीजन या फॉरेन अफेयर्स रिलेटेड डिसीजन, ये दोनों चाइना के हाथों रहेगा अंडर द बेसिक लॉ। बेसिक लॉ में ये भी कहा गया कि हांगकांग को जो लेजिस्लेचर दिया जा रहा है उसमें टोटली 70 सीट्स रहेंगे। ये 70 सीट्स का दो भाग रहेगा, 35 एंड 35। ये 35 आर डायरेक्टली इलेक्टेड, और जो नेक्स्ट 35 है ये नॉमिनेटेड होते हैं बाई चाइनीज गवर्नमेंट। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये न्यूज में क्यों है, ये इश्यू क्या है। सबसे पहले हांगकांग एक्चुअली बहुत सारे वजह से न्यूज में था। सबसे पहले एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ बहुत रिसेंटली चाइनीज गवर्नमेंट अपने लेजिस्लेचर में पास कर चुकी है। ये नेशनल सिक्योरिटी लॉ कहता है कि हांगकांग से रिलेटेड जो भी सिक्योरिटी इश्यूज के लॉज बनेंगे वो भी चाइनीज गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर में बन सकता है। तो इनिशियली जो हांगकांग के पास लेजिस्लेचर था वो हांगकांग के लिए लॉज बनाता था, लेकिन अब चाइना भी हांगकांग के लिए लॉज बनाएगा इफ इट इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी, ऐसा चाइना का कहना है अंडर दिस बिल विच हैज बीन पास्ड। इसमें कुछ और भी कंटेंशियस प्रोविजन हैं, दैट इंक्लूड्स कि हांगकांग एक इकोनॉमिक हब है, तो क्योंकि ये एक इकोनॉमिक हब है तो इसके जुडिशियरी में कुछ फॉरेन जजेस भी रहते हैं। इन फॉरेन जजेस को बैन कर दिया गया है। फॉरेन जजेस हैव बीन बैन्ड अंडर नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास्ड रिसेंटली।
इससे चाइना को क्या फायदा होगा कि फॉरेन इंटरफेरेंस में जो भी हांगकांग को इंडिपेंडेंस मिला हुआ था वो अब कर्व किया जा सकता है बाय चाइनीज गवर्नमेंट। एक और कंटेंशियस प्रोविजन है दैट इंक्लूड्स कि चाइना कैन नाउ टैकल सेसेशन, सबवर्जन, इवन इश्यूज रिलेटेड टू टेररिज्म एंड फॉरेन इंटरफेरेंस। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, ये जो तीसरा कंटेंशियस इशू है ये सबसे ज्यादा डेंजरस है फॉर हांगकांग। इस फीचर के तहत चाइनीज गवर्नमेंट कैन नाउ प्लेस इंटेलिजेंस एजेंसीज इन हांगकांग। तो अब स्पाइंग एक्टिविटी हांगकांग में बढ़ जाएगा जो कि हांगकांग को इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन लेने से रोकेगा, बिकॉज कि अब स्पाइज वहां रहेंगे और नाउ चाइना कैन नाउ इन्फ्लुएंस हांगकांग्स डिसीजन। ये तो पहली वजह हुई कि क्यों हांगकांग न्यूज में चल रहा है या प्रोटेस्ट क्यों कंटिन्यूसली चल रहा है। इससे पहले एक और भी बिल चाइना के लेजिस्लेचर में आया था विच हैज नॉट बीन पास्ड येट। एक्चुअली प्रोटेस्टर्स क्या कर रहे हैं कि चाइनीज नेशनल एंथम के अगेंस्ट जा करके या उसका तिरस्कार करके अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। तो ये बिल कहता है कि चाइना कैन नाउ पनिश एनीवन हु हैज इंसल्टेड चाइनीज नेशनल एंथम, और ये पनिशमेंट अप टू 3 years के लिए दिया जा सकता है। अभी तक ऐसा क्या होता था कि यहां की जनता अगर कोई भी गलती कर रही है तो वो हांगकांग कोर्ट में ही डील की जाएगी, बट अब धीरे धीरे चाइना हांगकांग के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है और अगर हांगकांग के लोग कोई भी गलती करते हैं तो वो चाइना टैकल करने की कोशिश कर रहा है। ऑन सिमिलर लाइंस एक और बिल चाइना ने इंट्रोड्यूस किया था विच वॉज एक्सट्रेडिशन बिल, जो एक्चुअली लास्ट ईयर अप्रैल में आया था। इसमें भी हांगकांग ने बहुत हद तक प्रोटेस्ट किया था। ये आप देख सकते हैं प्रोटेस्टर है जो 5 fingers दिखाई हुई है। इन लोगों के 5 demands थे टोटली। पहला डिमांड था कि गवर्नमेंट इनके प्रोटेस्ट को रायट नहीं बोले। सेकेंडली इनका ये भी कहना था कि जो भी प्रिजनर्स आप बनाए हैं ड्यूरिंग प्रोटेस्ट उनको रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि ये उनका फंडामेंटल राइट ऑफ प्रोटेस्ट है, इसको कोई भी गवर्नमेंट रोक नहीं सकती है। सो दे वॉन्ट रिलीज ऑफ पोलिटिकल प्रिजनर्स। तीसरा डिमांड इनका ये है कि इनके प्रोटेस्ट को बहुत ब्रूटली क्रश किया गया था बाय पुलिस, सो दे आर डिमांडिंग कि एक इंडिपेंडेंट एक्शन लिया जाए अगेंस्ट पुलिस। चौथा इनका डिमांड ये है कि जो 70 सीट्स हमने देखा था लेजिस्लेचर में होते हैं जिसमें 35 नॉमिनेटेड एंड 35 इलेक्टेड होते थे, ये पूरे को डायरेक्टली इलेक्टेड करने का डिमांड है इनका, विच सीम्स वेरी लॉजिकल। और जो फिफ्थ एंड लास्ट डिमांड है दैट इज रिपील ऑफ द बिल इटसेल्फ, तो वो लोग बिल को ही खारिज करने की बात कर रहे हैं। ये था तीसरा रीजन कि हांगकांग न्यूज में क्यों है। एंड लास्टली ये एक बिल था जो पास नहीं हो पाया जिसके भी प्रोविजंस बहुत ही ज्यादा कंटेंशियस हैं। इनका एक प्रोविजन था कि न्यूज़पेपर के अगेंस्ट सेडिशन एक्ट लगा दिया जाए, कि कोई भी न्यूज़पेपर जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट छाप रही है उनको सेडिशन के तहत अरेस्ट कर लिया जा सकता है या न्यूज़पेपर को बंद करा दिया जा सकता है। एंड सेकेंड जो एक कंटेंशियस प्रोविजन था वो था वारंटलेस सर्चेस, कि बिना वारंट के सर्च किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं टू सम एक्सटेंट ये रॉलट एक्ट जैसा दिखता है और ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जैसा दिखता है। तो बेसिकली चाइना हांगकांग पे कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। चाइना का अचानक से हांगकांग पे इंटरेस्ट बढ़ने की वजह ये भी है कि सितंबर में इलेक्शंस ड्यू हैं हांगकांग के, और अगर हांगकांग के लेजिस्लेचर में कोई भी चेंजेस आया तो जो भी बिल्स अभी तक भी चाइनीज गवर्नमेंट हांगकांग के थ्रू पास करवाते रहती थी वो प्रो डेमोक्रेटिक पीपल जो हांगकांग की असेंबली में बैठे हुए हैं वो बिल को पास नहीं होने देंगे। इसलिए इस इलेक्शन आने से पहले इनको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कुछ बिल्स पास कराने की जरूरत लग रही है। अब ये इंटरनेशनल इशू बन गया है। क्यों बन गया है? इज बिकॉज ऑफ सम ऑफ द एक्शन बाय यूएस। यूएस ने कुछ दिनों पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलानी चाहिए कि हम लोग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मीट में डिसाइड करेंगे कि चाइना जो कर रहा है वो सही है या नहीं। और चाइना एज वेल एज हांगकांग हैज आस्क्ड यूएस टू स्टे अवे फ्रॉम दिस, कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें बाहर के किसी भी कंट्री को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। इन रिपरकशन ऑफ दिस
यूएस ने क्या किया है रिसेंटली कि हांगकांग के साथ इनके कुछ स्पेशल अग्रीमेंट्स हैं। ये अग्रीमेंट्स के तहत कुछ ट्रेड एडवांटेजेस हांगकांग को मिलते हैं जो कि मेनलैंड चाइना को नहीं मिलता है। ये अग्रीमेंट्स को रिपील कर लिया गया है, तो नाउ हांगकांग एंड चाइना शैल बी सिमिलरली ट्रीटेड। अब कोई भी ट्रेड बेनिफिट नहीं है हांगकांग को। इसके रिएक्शन में हांगकांग का कहना है कि यूएस ने जो भी किया ये उसकी मर्जी है, लेकिन इसका इकोनॉमिक रिपरकशन हांगकांग को तो सहना ही पड़ेगा, लेकिन यूएस को भी सहना पड़ेगा। नाउ लेट अस सी कि आगे स्टोरी कैसे प्रोसीड करती है। फिलहाल तो यूएस एक्शन की वजह से ही ये लेटली न्यूज में था। इसका इंडिया पर भी असर पड़ेगा। एक्चुअली हांगकांग 40% ऑफ हमारे जो भी एक्सपोर्ट होते हैं जेम्स एंड ज्वेलरीज, ये 40% जाता है हांगकांग, और हांगकांग में जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी वजह से ये ट्रेड जरूर ही हैम्पर होगा। ऑलरेडी पिछले एक साल में 6.6% डिक्लाइन इन ट्रेड देख लिया जा चुका है। इसलिए इंडिया भी ये नहीं चाह रहा है कि हांगकांग प्रोटेस्ट करें, बट अंटिल एंड अनलेस चाइना टेक्स एनी स्टेप, हांगकांग का प्रोटेस्ट अभी शांत नहीं होने वाला है। अब वापस आते हैं यूपीएससी में, और क्या क्या पर्सपेक्टिव बन सकते हैं इसी हांगकांग इशू से, कि एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन तो हम लोगों ने देख लिया विच वॉज हांगकांग, एक और रीजन है विच इज मकाऊ, और मकाऊ को हांगकांग के कंपैरिजन में कम राइट्स दिए गए हैं, जैसे इनका अपना एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी और लेजिस्लेचर नहीं है। कुछ और डिस्टर्ब रीजन ऑफ द वर्ल्ड में देख लेते हैं। कैटलोनिया एक जगह है स्पेन में जो कि इंडिपेंडेंस डिमांड कर रहा था। ये आप लोकेशन देख लीजिए कैटलोनिया का, ये मेडिटेरेनियन सी के तरफ लाई करता है, और एक बैलेरिक आइलैंड्स को भी याद रखने की जरूरत है। ये भी ध्यान रखिएगा कि कैटलोनिया फ्रांस के बॉर्डर को टच करता है। कैटलोनिया एक्चुअली डिमांड कर रहा था स्पेन से इंडिपेंडेंस के लिए, और ये एक रेफरेंडम बुलाया था जिसमें सिर्फ 43% वोटर्स टर्न आउट हुए थे, लेकिन इस 43% का 92% वोटर्स ने इंडिपेंडेंस के लिए वोट दिया था। अब क्योंकि वोटर्स ही नहीं टर्न आउट हुए तो ओवरऑल ये 50% से कम रहा था, इसलिए कैटलोनिया कंटिन्यू टू रिमेन विद स्पेन। अब आगे देखते हैं कि जो भी इसका डिसीजन लिया जाता है या कभी और आगे रेफरेंडम होगा तो फिर हम लोग ये डिस्कस करेंगे। एक बात ध्यान में रखने की ये है कि कैटलोनिया क्यों डिमांड कर रहा है इंडिपेंडेंस फ्रॉम स्पेन, इज टेरिटरी वाइज ये बहुत ही छोटा टेरिटरी है, दैट कंस्टिट्यूट ओनली 6% ऑफ स्पेन, लेकिन इकोनॉमी वाइज ये 19% है, 19% ऑफ द इकोनॉमी, और स्पेन इज नॉट वेरी गुड एट इकोनॉमिक टर्म्स एज ऑफ नाउ, लेकिन कैटलोनिया बहुत ही बेटर हालत में है, इसलिए कैटलोनिया अपने पिछड़ेपन का जिम्मेदार स्पेन को ठहरा करके इंडिपेंडेंस डिमांड कर रहा है। ये 2014 में यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि कुछ रीजन हैं जो न्यूज में हमेशा रहते हैं, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। चेचन्या इज राइटली इन रशियन फेडरेशन, वेर एज दरफूर ये सुडान में लाई करता है। स्वैट वैली का नाम आपने सुना होगा, ये एनसीईआरटी में भी बहुत बार मेंशनड है, और अलेक्जेंडर द ग्रेट ये भी इंडिया वाया स्वैट वैली ही आया था। दिस डज नॉट लाई इन इराक, रादर इन पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वन ओनली है। ये लोकेशन देख लीजिए, ये दरफूर का लोकेशन है इन सुडान, ये साउथ सुडान अलग हो चुका है। दरफूर ऑल्सो बॉर्डर्स चाड, लीबिया एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कार, और ये भी बात ध्यान रखिएगा कि सुडान भी रेड सी को टच करता है। नेक्स्ट टू प्लेसेस इज स्वैट वैली, ये पाकिस्तान है, और स्वैट वैली ये रहा, तो ये याद रखिएगा कि स्वैट वैली इंडियन मेनलैंड को भी टच करता है, ऑल्दो दिस इज पीओके। एक और रीजन जो डिस्टर्ब्ड था और क्वेश्चन में भी था, विच वॉज चेचन्या, दिस लाइज इन रशिया, ये हम लोगों ने क्वेश्चन में भी देख लिया था। ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि इट एडजॉइंस जॉर्जिया और कैस्पियन सी को टच करता है, तो कैस्पियन सी एडजॉइनिंग कंट्रीज हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है, और ये भी कि जॉर्जिया कैस्पियन सी को टच नहीं करता है। द कंट्रीज एडजॉइनिंग कैस्पियन सी इंक्लूड रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान एंड अजरबैजान।
कुछ और रीजंस भी देख लेते हैं जो कि डिस्टर्ब रहता है या न्यूज में रहता है. इंक्लूड्स जिंगजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना. ये न्यूज में क्यों रहा है, क्योंकि वेरी रिसेंटली यूएन का एक स्टेटमेंट आया था कि अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन उइगुर मुस्लिम्स जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, इनको डिटेन कर दिया गया है कैंप्स में. ऑल्दो चाइना इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है और बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि हिडन कैमराज हैं जो ये डिटेंशन कैंप को देखे हैं. ऑल्दो चाइना हैज नॉट एक्सेप्टेड इट और रिजेक्टेड इट टोटली. और एक जगह जो न्यूज में थी वॉज क्रीमिया. क्रीमिया इनिशियली यूक्रेन का पार्ट था. यूक्रेन आप देख सकते हैं, ये रहा ब्लैक सी. ये ब्लैक सी में एक आइलैंड था क्रीमिया, जो कि इनिशियली यूक्रेन का पार्ट था, बट पिछले ही कुछ सालों में रशिया ने क्रीमिया को यूक्रेन से डिटैच करके रशिया में एडजॉइन करा लिया है. ये जो छोटे से सी आप देख रहे हैं, दिस इज सी ऑफ अजोव एंड दिस इज ब्लैक सी. तो क्रीमिया इसलिए न्यूज में रहा था क्योंकि रशिया ने रिसेंटली इस आइलैंड पर ऑक्यूपाई कर लिया था. और अब मूव करते हैं हमारी लास्ट स्लाइड की तरफ, विच इज वखान कॉरिडोर. ये भी एक कंटेंशियस रीजन रहा है. ये रहा अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान का एक छोटा सा पार्ट बहुत सारे कंट्रीज को टच करता है, दैट इंक्लूड्स चाइना, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान भी, और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से इंडिया को भी. चाइना एक्चुअली अफगानिस्तान और तालिबान के रिलेशंस में इंटरफेयर कर रहा है, क्योंकि ये रीजन ही अभी तक तालिबान से अनटच्ड है. वखान कॉरिडोर में देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ तालिबान. तो चाइना का मीडिएशन बिटवीन अफगानिस्तान एंड तालिबान ये एंश्योर कर रहा है कि तालिबान इस रीजन में एंटर ना करे, सो दैट कि चाइना रिमेन्स सेफ हियर. एक और रीजन की वजह से चाइना अफगानिस्तान में इंटरेस्ट ले रहा है इज बिकॉज ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज हियर. ऑल्दो चाइना के ऑपरेटिंग मिलिट्री व्हीकल्स यहां अक्सर देखे गए हैं. एक बात ध्यान में रखने की जरूरत यह है कि अफगानिस्तान हैज ह्यूज रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, दैट इंक्लूड्स गोल्ड, कॉपर, प्रीशियस जेम्स, इवन आयरन ओर, और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए जो भी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है वो सब भी यहाँ पे बहुत मात्रा में अवेलेबल है. इसलिए चाइना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट अफगानिस्तान में ले रहा है. तो फिलहाल तो हांगकांग इशू से हम लोग इतने ही लेसन्स ले सकते हैं. आगे फिर कुछ सीखने को मिलेगा तो हम लोग दोबारा डिस्कस करेंगे. थैंक यू, गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट.